नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आज देख रहे हैं मुंबई में जो रेगुलेटरी बिल आने वाला है, नेशनल राष्ट्र भारत पर जो असर करेगा, भारत के लोगों को, जो लाखों लोग करोड़ों लोग हैं जो घर लेना चाहते हैं, घर लेने का सपना है, वो हाउसिंग कैसा होगा और वो बिल कैसा होगा आने वाले दिनों में तय करें। काफ़ी समय लगा है और कमेटी ने तय किया है, आने वाले दिनों में तय होगा। और आज पूरे देश में के जो प्रतिनिधि हैं इस विषय पर मिले हैं और एक मीटिंग हुई है यहाँ पे मुंबई में NAC कॉम्प्लेक्स में, और इस बारे में हम जानेंगे खुद उपाध्याय जी से कि क्या एजेंडा है और आगे क्या आपका मुहिम रहेगा। हम लोग आज यहाँ पे मीटिंग किए हैं मुंबई में, बिकॉज जैसे सभी लोग जानते हैं इंडिया में जो होम बायर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके लाखों रुपए इसमें फंसे हुए हैं और सारी जगह में ग्राहकों की जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं, और अभी तक जिस तरह का लीगल फ्रेमवर्क है उसमें लोगों को रिलीफ मिल नहीं पा रही है। तो लोग बड़ी उत्सुकता से ये देख रहे हैं कि किस तरह से रियल इस्टेट रेगुलेशन बिल जो कि सिलेक्ट कमेटी को दिया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई को राज्यसभा में पेश कर दी है कि वो बिल जल्दी से जल्दी पास हो, तो जो कंज्यूमर हैं जो रिलीफ बिल के माध्यम से रिलीफ मिल सके। इस बिल में क्या कमियां हैं? देखिए, कमियां तो इसमें काफ़ी हैं, मैंने अभी भी ये एक ऐसा बिल नहीं बन पाया है जिसे ये कह दिया जाए कि ये बिल हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको पूरा रिलीफ मिल जाएगा और उनके साथ जो इस तरह का अन्याय किया जा रहा है बिल्डरों के द्वारा वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें जैसे पहली समस्या तो ये है कि इस बिल में रेफर किया अपीलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट को बनाया गया है, जो कि दूसरे जो लेजिस्लेशन है उसमें अपीलेट अथॉरिटी सीधे सुप्रीम कोर्ट है, तो इसे एक लेवल बढ़ जा रहा है और समय ज़्यादा लगने की संभावना है और ये भी संभावना है कि ये बिल लॉस्ट हो जाए। दूसरा, जिस तरह से लोगों को कंज्यूमर कोर्ट में जाने से कोई रिलीफ नहीं मिल पा रही है क्योंकि उसमें इंट्री ऑर्डर का कोई प्रोविज़न नहीं है, सिमिलरली इस बिल में भी इंट्री ऑर्डर का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है जिससे कि लंबे समय तक रिलीफ कंज्यूमर को शायद ना मिल पाए, तो उसको इस बिल में एड्रेस किया जाना चाहिए था लेकिन इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। सिमिलरली सबसे बड़ी और तीसरी जो इसमें खामी है कि अगर इस बिल में कहा गया है कि डिले जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर बिल्डर फिर भी डिले करे तो उस पर किस तरह का ऐसा पेनल्टी या इस तरह का किया जाए जिससे कि वो इस डिले करने से कतराए, वो ना करे। तो मेरा सजेशन, सुझाव हम लोगों ने सिलेक्ट कमेटी को दिया था कि अगर डिलेड पोर्शन में भी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तो बिल्डर को अरेस्ट किया जाना चाहिए, बिकॉज पैसे लेने के बाद आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना करें, एक्सटेंडेड टाइम भी आपको लीगल फ्रेमवर्क में मिल रहा है 1 साल का, फिर भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करें तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है और इसमें जेल जाना, अरेस्ट करना जरूरी था। ये एक डिटरेंट की तरह से हो जाता और बिल्डर फिर क्या है, डिलेड पीरियड में पक्का ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता, उसके अभाव में ये एक डिटरेंट, बड़ा डिटरेंट अब इस बिल में नहीं है जिसकी वजह से शायद ये बिल उतना इफेक्टिव ना हो पाए। हमारे साथ मौजूद हैं हाउसिंग मामलों के एक्सपर्ट वरिष्ठ श्रीश देशपांडे जी, ये बारे में कहेंगे, क्या कहेंगे? यू सी, देयर आर, आई मीन, दिस इज नॉट अ परफेक्ट बिल, ऑल्दो अटेम्प्ट हैज बीन मेड एंड आई मस्ट से दैट टू द क्रेडिट ऑफ दिस गवर्नमेंट दैट अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फ्लैट बायर्स इन दिस प्रपोज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2015. Select committee has heard the suggestions, objections from all stakeholders and has submitted the report to the Rajya Sabha. But we as consumer organizations do feel that there is enough scope for further improvement. So there are two main issues now before all the consumer bodies and resident welfare associations and home buyers associations, and we are coming together all over India. And in that, our attempt is going to be that we should ensure that this bill gets passed in this coming winter session, but not as it is, as recommended by the select committee. There are some improvements which are required and we will pursue this with the central government, with the concerned ministries, with the elected representatives in the parliament, and we will lobby for it and see that how best this bill can be further improved without any delay, and in the same winter session this bill can be passed. हमारे साथ एक और सामाजिक हाउसिंग कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, रमेश प्रभु जी, बताइए ये बिल के बारे में आगे क्या स्टेप होगा और आप कैसे राष्ट्रीय स्तर पर इसे मुद्दा उठाकर लोगों को अवेयर करेंगे? देखिए, इसके पहले भी बहुत सारा स्टेट में अपना अपना बिल है, जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट है, अलग अलग जगह में अलग अलग कायदा कानून है, मगर जिस तरह से एक नेशनल लेवल में जो बिल्डर लोगों का जो मनमानी रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा बिल का जरूरी सपना तो गया 10-15 साल से सब कंज्यूमर देख रहे हैं,
तो जिसमें जो बिल्डर गलत करता है उसके ऊपर बहुत सारा कठिन कार्रवाई होना चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर को इमीडिएटली रिलीफ मिलना चाहिए। एक एक फ्लैट 10 आदमी को बेचना, 30 आदमी को बेचना, 50 आदमी को बेचना, लोन अलग अलग लेना, फ्लैट बेचा जाता है उसके ऊपर प्रोजेक्ट लोन लिया जाता है, उसको प्रोजेक्ट लोन को क्लियर नहीं किया जाता है, और लोगों से इन्वेस्टर्स को अलग ढंग से भड़का के, मतलब कम भाव में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन्वेस्टर को एक अलग आशा दिखा के जो पैसा इकट्ठा कर दे वो किधर। तो इसके लिए रेगुलेटर भी इसी तरह का होना